नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल लाइव और मैं हूं आपके साथ अनामिका गुप्ता। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खबरों के साथ। आगरा जनपद के थाना फतेहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत गांव नगरचंद में एक नीम के पेड़ से दूध की धारा निकल रही है, जिसे देखकर ग्रामीण आकर्षित होकर उसे आस्था का प्रतीक मानकर पूजा अर्चना शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार गाँव नगरचंद में ग्रामीण चरण दास के दरवाजे पर एक नीम का पेड़ खड़ा है। उनका कहना है कि उन्हें किसी देव ने सपना दिया और कहा कि नीम के पेड़ से दूध की धारा बहेगी और अब लोग उसे आस्था मानकर अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए मन्नत मांग रहे हैं। क्या पूजा? रात के 12 बजे आज मुझे सपना हुआ था और मेरे घर के आंगन नीम का पेड़ खड़ा हुआ, उसमें दूध की धारा बह रही है और उसमें प्रकट हुआ और उसकी सेवा में लगा हुआ हूँ और पूजा पाठ चल रहा है। सब लोग गाँव के इकट्ठे सब लोग सहयोग दे रहे हैं। मैं यही फील्ड में घूम रहा था तो अचानक इन लोगों ने मुझे बुलाया तो कहा डॉक्टर साहब देखना ऐसे ऐसे, तो ये चरणदास जी हैं, इन्होंने कहा कि मुझे रात में सपना हुआ है। मैंने अच्छा कैसे कैसे कि आपके जो नींब है उसमें दूध की धारा बह रही है और जाकर के संभालो और पूजा पाठ कराएं, जिससे कि जो भी लोग बाग हैं गाँव के देहात के वहाँ खबर पहुँचाओ और मेरी परिक्रमा करें, जिससे सबका कल्याण होगा। कराओ तो इसलिए यहाँ प्रक्रिया चालू कर दी। हाँ, सुबह उठ के देखा तो दूध निकल रहा था। अभी क्या स्थिति है पूजा पाठ को लेकर? पूजा पाठ को स्थिति चल रही है बरकरार, प्रसादी वगैरह बट रही है और हवन सामग्री हवन भी चल रहा है और उन्होंने जो सपना दिया तो उन्होंने कहा बैनर छपवाएं, जिससे कि क्षेत्र में जागरूक और इसके आप। पंजाब में अमृतसर के बाहरी इलाके में एक धार्मिक समागम में हुआ ग्रेनेड हमला। बता दें कि मुख्य उपदेशक सहित 3 लोगों की मौत हो गई है और करीब 20 लोग घायल हो गए हैं। परिसर के मुख्य गेट पर तैनात निरंकारी पद के स्वयंसेवक गगन के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। दरअसल अमृतसर के राजा सांसी के समीप अदिलवाला गाँव में निरंकारी भवन में निरंकारी पंथ के धार्मिक समागम के दौरान यह विस्फोट हुआ। मिली जानकारी के अनुसार बाइक पर आए 2 लोगों ने ग्रेनेड फेंका था। क्या कुछ कहा पंजाब के डीजीपी सुरेश अरोड़ा ने, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आज जो इंसिडेंट हुआ क्योंकि इनके कुछ स्पेसिफिक इनपुट नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से ये ग्रुप के खिलाफ जो आज जैसे 2 लड़के आए और उन्होंने ग्रेनेड फेंका, इससे ये जो चीज साबित होती है कि ये एक टेरर एक्ट है और जो टेरर एक्ट अगर हम मानते हैं तो उसके पीछे कौन हो सकता है? आम कोई जथेबंदी तो इस तरफ जाती नहीं है। तो हमारी जो असेसमेंट है इस स्टेज पे अभी कि डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई जो खालिस्तानी जो टेररिस्ट ग्रुप है या ISI ग्रुप है उनका हाथ हो सकता है, जो प्राइम फेसे आज की अब हम कह सकते हैं। देखो तो उसमें ऐसा है कि कौन सा स्पेसिफिक ग्रुप हो सकता है उसको एस्टेब्लिश करने में तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन हम अगर ओवरऑल एक असेसमेंट करें कि ऐसे कौन से लोग हो सकते हैं जिनका इस तरीके का कोई एक टारगेट या इस तरीके के टेरर क्रिएट करने की थिंकिंग हो सकती है, उस कंटेक्स्ट में मैं ये कह सकता हूँ कि डेफिनेटली से टेरर एक्ट। अब कौन सा ग्रुप उसमें एग्जैक्टली इन्वॉल्व है तो दैट वी विल एस्टैब्लिश यू नो विद द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। जो वहां पे हमें मौका में जाकर आया हूँ वहां से जो ग्रेनेड इस्तेमाल हुआ हमारी फैंसी टीम आ रही है, वो से NA की टीम आ रही है, वो जो सारा एविडेंस हम पीस टुगेदर देन वी विल कम टू द कंक्लूजन कि ये जो लिंकेज है। असम विश्वनाथ जिला के 44 शहर में पूर्व मंत्री नूरजमाल सरकार ने संवाददाताओं के साथ बैठक की। पूर्व मंत्री नूरजमाल सरकार ने संवाददाताओं को बताया आने वाले 2018 के पंचायत निर्वाचन में मनोनीत किए गए प्रार्थी से रुपए का लेन देन करने का कांग्रेस दल के विश्वनाथ जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार बरुआ के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है। घटना बदायूं के थाना क्षेत्र वजीरगंज के गांव मालमपुर की है, जहां रात्रि में एक महिला के पति ने उसकी हत्या कर दी। बता दें कि महिला ने एक और बेटी को जन्म दिया था जबकि 2 बेटियां उसके पास पहले से थी।
तीसरी बच्ची के जन्म से उग्र होकर उसके पति ने उसकी हत्या कर दी। वही मृतक महिला की सास ने अपने ही दामाद पर हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुना जाता है? हाँ, वो तो सुना जाता है। अपनी बहू मार डाल रही है। किसने? मेवाराम। मेवाराम कौन कास्ट है? ये जाट का ही है। ये कभी घटना है? जाट की। बिजनौर में भीम आर्मी ने प्रेस वार्ता कर अपनी पार्टी के बारे में जानकारी दी। बिजनौर में विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। प्रेस वार्ता में मौजूद इलियास आजमी, पूर्व सांसद लखीमपुर खीरी दद्दू प्रसाद और पूर्व कैबिनेट मंत्री यूपी मौजूद रहेंगे। और गौहर इकबाल ने बताया कि बीजेपी सरकार को जो पार्टी हराने का कार्य करेगी, दलित पिछड़ा एवं मुस्लिम एकता के लिए भाईचारा पैदा करने का काम करेगी। भाई जी, आप भी बता दीजिए कुछ क्या कहना चाहते हैं। चंद्रशेखर जी हमारे नेता हैं और हम लोगों ने फैसला लिया सबने, जो कि आज के हालात है उसमें हमने भीम आर्मी को चुना। भीम आर्मी के बारे में जैसे वक्ताओं ने बताया कि शोषण हमारा ये कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है और शोषण है एजुकेशन के लिए। चंद्रशेखर जी उठे हैं। साल की सबसे शुभ और फलदायी एकादशी आज है, जिसे देव उठने एकादशी या देवोत्सान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वाराणसी में आज लोगों ने एकादशी के मौके पर गंगा में डुबकी लगाई। आपको बता दें कि देवउठनी एकादशी के मौके पर उत्तर भारत सहित देश के कई हिस्सों में तुलसी विवाह भी होता है। इस तिथि से ही सारे शुभ काम जैसे विवाह, मुंडन और अन्य मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। कौशाम्बी जिले में टीईटी की परीक्षा 11 केंद्रों पर हुई। इन परीक्षा केंद्रों पर कुल करीब 12,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। कलेक्ट्रेट स्थित कोषागार में केंद्रों पर भारी सुरक्षा के बीच प्रश्न पत्र पहुंचाए गए। केंद्रों के बाहर परीक्षार्थियों की गहनता से जांच के बाद प्रवेश दिया गया। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को तैनात किया गया। सभी 11 परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा संपन्न कराई गई। डीएम मनीष कुमार वर्मा व एसपी प्रदीप गुप्ता व तीनों एसडीएम लगातार भ्रमण कर परीक्षा केंद्रों की जांच करते रहे। हमारे यहाँ कई 6-7 सेंटर जितने भी बने हुए हैं, सभी पे सकुशल एग्जाम चल रहा है। परीक्षार्थियों को प्रवेश दे दिया गया है उनके डॉक्यूमेंट चेक करके, और हम लोगों की पूरी 100% प्रयास है, 100% है कि सुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। सभी में, सभी कमरों में सीसीटीवी लगा है और हर प्रक्रिया रिकॉर्डिंग। मुरादाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जनपद में पिछले एक महीने में हुई करीब आधा दर्जन लूट व डकैती के मामले में मुठभेड़ के दौरान 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में 4 बदमाश घायल हो गए। पकड़े गए बदमाश जिले की बाहरी कॉलोनी में दूर दराज वाले मकानों को अपना निशाना बनाते थे। ये पूरा गैंग एक बाप अपने 2 बेटों के साथ मिलकर चला रहे थे। पुलिस को बदमाशों ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसके पिता हिस्ट्री सीटर हैं, उन्हीं का यह गैंग है जो लूट और डकैती की घटनाओं को अंजाम देता है। एएसपी ने बताया कि अंतर्राज्य गैंग का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, गैंगस्टर एक्ट लगाई जाएगी और उनकी संपत्ति को भी कुर्की किया जाएगा। 12 से 15 लोग इस गैंग में शामिल हैं। दिन में रेकी करके शाम को इन लोग रात्रि में ये लोग उस घर को टारगेट करते हैं, और इसमें ये लोग ये भी बताया है कि हम लोग जो घर अकेले में है, दूर दराज और अकेले घर को ही टारगेट करते हैं, और इनका मकसद कभी ये नहीं रहता कि घर वालों के साथ कोई घटना करे, और इनका टारगेट केवल कैश और ज्वेलरी का रहता है। और दूर दराज के अकेले में घर को इसलिए टारगेट करते हैं कि जिससे इजी हो और पुलिस से भी बच के जाए। सिटी को टारगेट इसलिए नहीं करते हैं कि सिटी में इनकी लगातार चेकिंग और तमाम पीआरवी और पुलिस की रेगुलर नाकाबंदी। तो आपने देखा होगा कि सारी घटनाएं जहां जहां की है इन लोग आउटर एरियाज में की है, अकेले में जो घर है किए, और मोडस ऑपरेंडी भी सेम है,
और सब जगह ये टाटा मैजिक और इनका ट्रेस हुआ है। तो हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं सभी से कि हमको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस के माध्यम से भी इनके लोकेशन के पता चल रहे हैं, और कुछ मोबाइल, आज संडे है तो कुछ ट्रेस होना भी बाकी है, और हमारे टीम्स लगे हुए कि बाकी जो भागे हुए अपराधी है हम कनेक्ट कर रहे हैं कि कौन कौन लोग किस किस घटना में है। फिलहाल जो जितना इन्फॉर्मेशन है आज हम आपके समक्ष रखें, और जब बाकी अभियुक्त तो। सुरक्षा बलों ने त्रिपुरा में एक खास ऑपरेशन चलाया और करीब 3000 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 5 करोड़ आकी गई है। दरअसल तस्करों ने पुलिस की नजर से बचने के लिए गांजे को ड्रमों में भरकर जमीन में गाड़ दिया था। गांजे के लिए इस सर्च ऑपरेशन में DRI त्रिपुरा पुलिस और CRPF की टीम शामिल हुई। अच्छा, इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन लाइव के साथ। नमस्कार।